फ्रेंड्स अभी हम कचौड़ियाँ रेडी कर रहे हैं। तेरे यार को पीछे से रोको। तो दोस्तों अभी मैं खड़ी हूँ एटीएम के बाहर। फ्रेंड्स कैश निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दोस्तों अब हम पी रहे हैं बेल का जूस और हस्बैंड जी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है वर्षा बोरा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और आज जैसा कि संडे है तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा धूप आ गई है 8 बजे तक। तो अभी मैं हूँ अपने घर की छत पर और मैंने सोचा आज मैं लेट हो गई तो फटाफट पहले गमलों में पानी डाल देती हूँ और मैंने अभी गमलों में पानी डाल दिया है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और मिट्टी सूख जाती है गमलों की। सो फ्रेंड्स अभी मैं छांव में खड़ी होकर शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए चलते हैं हम नीचे और फिर इसके बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो चलिए चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। सो फ्रेंड्स अब मैं आ चुकी हूँ हमारे किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी। आई होप आप सभी की पसंदीदा होगी ये चीज़ और हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, खासतौर से मुझे। तो मैंने आज इसलिए सोचा कि क्यों ना संडे है तो आलू की कचौड़ी बनाई जाए। तो आज मैंने आलू उबाल दिए हैं और अब मैं इसे फटाफट से छील लूँगी। सो फ्रेंड्स मैंने आलू छील लिए हैं और अभी मैं इन्हें मैश कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें मसाले मिलाऊंगी। और आटा मैंने ऑलरेडी गूंथ लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया है क्योंकि ताकि अगर मसाले में थोड़ा बहुत नमक मिर्च ऊपर नीचे हो तो वो सब आटा मैनेज कर लें। कचौड़ियाँ रेडी कर रहे हैं और हाथों से बनाएंगे हम लोग। तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए लेकिन मैंने आंच कम कर रखी है क्योंकि अभी हम हाथ से बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, पहले कुछ कचौड़ियाँ हम प्रिपेयर करके रख देंगे। सो फ्रेंड्स कचौड़ियाँ हो चुकी है हमारी रेडी और मेरे मुंह में तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो चलिए फटाफट से कचौड़ियाँ खाते हैं। सो फ्रेंड्स अब मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं तो चलिए फटाफट चलते हैं हम मार्केट। सो फ्रेंड्स अब हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। गर्मियों में थोड़ा सा शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा मन बिल्कुल मन नहीं करता है गर्मियों में बाहर निकलने का। दोस्तों अभी मैं खड़ी हूँ एटीएम के बाहर और अभी पहले सबसे पहले हम लोग पैसे निकालेंगे उसके बाद जाएंगे शॉपिंग के लिए। हो गया आरडी रीड नहीं हो रहा मेरा तो नहीं हो रहा तो अब तो एटीएम में एटीएम से पैसे निकाल देते, पैसे निकाल दिए तो सारी परचेजिंग हमें ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ऑनलाइन वैसे भी ऑनलाइन तो करेंगे ही, कैश ना। तो चलिए अभी कैश तो नहीं निकल रहा है, देखते हैं ऑनलाइन। वैसे तो गूगल पे ही करते हैं हम लोग हर जगह बट थोड़ा सा वैसे पर्सनली चाहिए था हमको तो अभी तो नहीं निकल रहा है तो पहले शॉपिंग कर लेते हैं फिर देखते हैं घर जाते टाइम। चल आगे ट्राई करें उधर, चलो फिर। हाँ बहुत तेज़ हो रही है। ट्राई करो ट्राई करो। सो
फ्रेंड्स, कैश निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और ये तो अच्छा है कि सरकार ने थोड़ा सा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, तो हर जगह अभी ऑनलाइन ही होता है पेमेंट सब चीज़ों का। तो ये है कि हमारी शॉपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बट कैश की ज़रूरत है तो उसमें तो प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए देखते हैं, निकलता है या नहीं निकलता है। निकला? नहीं निकल रहा है। अरे यार क्या दिक्कत है, ये कभी कभी ऐसी होता है, इतनी जगह बंद होने वाला है तो। लेकिन अभी तो एक्सपायरी नहीं हुआ ना डेट, अभी तो बंद नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हैं? सो फ्रेंड्स, यहाँ से भी इस एटीएम से भी नहीं निकल पाए हैं पैसे, में भी कुछ कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनका बोल रहे थे कि एक्सपायर भी होने वाला है, बट अभी एक्सपायरी डेट आई नहीं है, तो पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। चलिए देखते हैं, पता करते हैं, बट अभी तो कैश नहीं मिल पाएगा हमें, तो मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन ही करेंगे। दोस्तों, अब हम पी रहे हैं बेल का जूस, और गर्मियों में काफ़ी अच्छा होता है ये बेल का जूस, पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा हो रहा है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। जी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पर, इतने से सारे इन्होंने ये सब खुलवा दिया, इन पसंद इन्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी मार्केटिंग तो हो चुकी है ख़त्म, अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। और अभी बज चुके हैं हमें शाम के 4, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम लोग। एक तो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से लेट हो गए। इतनी भीड़ हो रही थी, शायद चोरी का मामला लग रहा था, क्योंकि पुलिस वगैरह भी आई थी वहाँ पर। हम लोग वहाँ रुके नहीं ज़्यादा देर, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और सामान शॉपिंग तो हमारी अभी हम ज़्यादा कुछ सामान खरीद नहीं पाए हैं, क्योंकि एक तो लेट भी हो गया है, और सामान सेलेक्ट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे हम लोग और शॉपिंग के लिए, तो फिलहाल के लिए अभी हम घर चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे सिकंजी पीने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो कुछ लिक्विड पीने का मन कर रहा है, और एकदम चिल्ड। तो अभी यहाँ पर हम आए हुए हैं, अभी हम हमारी सिकंजी हो रही है तैयार। कौन सा वाला होता है? सोडा वाला। सोडा वाला टेस्ट करता है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जब शादी के बाद आई थी, तो इन्होंने मुझे ये सिकंजी करवाई थी, और मेरे को बहुत मस्त लगी थी। मुझे यहाँ की सिकंजी बहुत अच्छी लगती है। Thank you.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.